नमस्ते, कैसे आप लोग? चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो बचा हुआ पार्ट था, बेसिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट। अब होता क्या है, 1963 में केरला ने दो एक्ट पास किए थे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। 29th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो एक्ट किसमें ऐड कर दिए, नाइन्थ शेड्यूल में कर दिए। नाइन्थ शेड्यूल क्या है? जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। भाई जुडिशरी उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती अगर कोई भी एक्ट नाइन्थ शेड्यूल के अंडर डाल दिया जाए। अब इस पिक्चर में एक नया इंसान आते हैं, नानी भाई पालखी वाला। केशव नंदा भारती को कन्विंस करते हैं, जिनका एक मठ था केरला में और केरला गवर्नमेंट उसको ले लेती है। नानी भाई पालखी वाला कहते हैं कि देखो जी, स्वामी जी, आप ना अंडर आर्टिकल 26 एक पेटिशन फाइल करो। अंडर आर्टिकल 26 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसके तहत आप अपनी जो रिलीजियस प्रॉपर्टी ना उसको खुद मैनेज कर सकते हो बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। होता क्या है, एज यूजल 29th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया जाता है, पर साथ ही साथ 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया जाता है। कुछ फैक्ट बता देता हूं इस केस के। 13 जज बेंच बैठा था, जो उस टाइम हाईएस्ट था। जो सुनवाई चलती है 68 डेज तक चलती है। वर्डिक्ट आता है 7:6, विच इज पेपर थिन मेजोरिटी। एक जज, सिर्फ एक जज इधर से उधर हो जाता तो वर्डिक्ट बदल जाता। और इसकी डेट याद कर लेना, ये काम आएगा आपको, 24th अप्रैल 1973। जो की इशू था, एज यूजल बहुत सारी चीजें चैलेंज की गई थी, लेकिन जो की इशू था ना उसमें यही था, वेदर पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर और नॉट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा कि भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है या लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। और फिगरेटिवली अगर हम ये बात करें, क्या वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 7:6 की मेजोरिटी आई है। अब मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में जाता हूं। दो ग्रुप बनते हैं, एक जस्टिस सिकरी वाला, एक दूसरा। जस्टिस सिकरी वाला है अगेंस्ट कि भाई पार्लियामेंट के पास ना लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड नहीं है। दूसरा है प्रो गवर्नमेंट, जो कहती है भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जस्टिस हंस राज खन्ना का। क्वेश्चन आता है, कैन पार्लियामेंट ऑल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे जस्टिस सिकरी वाला जो ग्रुप कहता है भाई नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो 6 जजेस का ग्रुप है वो यही कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, तो इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी ऑल्टर कर सकता है। यहाँ पे जस्टिस हंस राज खन्ना क्या करते हैं, इस वाले ग्रुप में चले जाते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, जस्टिस सिकरी वाले में। जस्टिस हंस राज खन्ना कहते हैं कि देखो भाई, पार्लियामेंट के पास पावर है अनलिमिटेड, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जितना मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस वर्डिक्ट का निष्कर्ष निकालू या कंक्लूजन बताऊं, तो सिंपल सा है, यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, यस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, यस कर सकती है, फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, यस कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती। रिमेंबर दिस थिंग। अगर अब मैं डिफाइन करने की बात कहूं, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, देखो इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही जजेस ने इसको डिफाइन किया था। बस ये कहा गया भाई, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके कुछ पार्ट है जिसको जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी बताता हूँ। ये आपने सुना होगा भाई, प्रैम्बल जो है ना हमारा, वो आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपको याद हो या कभी ध्यान दिया हो, आईडी कार्ड के ऊपर ना एक फोटो भी लगी होती है, एक फोटो भी लगी होती है। अब वो जो फोटो है ना, वही बेसिक स्ट्रक्चर है। ये चीज समझ लेना, जो पूरा आई कार्ड है वो हमारा प्रैम्बल है, और जो फोटो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और पार्लियामेंट को आप ये समझो कि वो डॉक्टर है। अब पूरी बॉडी जो है उसमें जो फोटो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फेस है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको कंपेयर करके बताता हूँ, पार्लियामेंट डॉक्टर, फेस बेसिक स्ट्रक्चर। जो डॉक्टर है वो फेस को टच नहीं कर सकता, पूरी बॉडी में कहीं भी ऑल्टरेशन कर सकता है, सर्जरी कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन फेस को नहीं कर सकता। तो मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, प्रैम्बल क्या, आईडी कार्ड है, जो उस पर फोटो लगी है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो पार्लियामेंट है, जो डॉक्टर है, जो पूरी बॉडी को चेंज कर सकता है, फेस को टच नहीं कर सकता, वरना उसकी जो पहचान ही खत्म हो जाएगी। इस वर्डिक्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें हमारी बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड की गई, मतलब इसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, जैसे सुपरमेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करेक्टर, सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सुप्रीम कोर्ट ने अपना दाव चल दिया था, अब बार थी इंदिरा गांधी जी को अपना दाव चलने की। रिमेंबर मैंने बताया था, चेक एंड बैलेंस ये सबसे बेस्ट है समझने के लिए। अब बात आती है इंदिरा गांधी जी, वो क्या करती है।
जिस दिन वर्डिक्ट आया था ना केशवानंदा भारती केस का, उस दिन लास्ट दिन था जस्टिस सिकरी का, उस दिन उनको रिटायर होना था। अब जो बनने थे नेक्स्ट, जो तीन लाइन में थे सीनियोरिटी में, वो थे जस्टिस जेएम सेहलत, केएस हेगड़े एंड एएन ग्रोवर। ओके, अब ये थे अगेंस्ट गवर्नमेंट वाले ग्रुप में, जिन्होंने कहा था कि भाई पार्लियामेंट के पास ना अनलिमिटेड पावर नहीं, लिमिटेड पावर है। और जो जस्टिस एएन रे थे, ये थे भाई पार्लियामेंट के पास है अनलिमिटेड पावर, जो वो जो मर्जी करे। अब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इनको चीफ जस्टिस बना दिया, उनको हटा दिया कि भाई आप नहीं बनोगे, आप नॉर्मल जज ही रहोगे, ठीक है, और इनको बना दिया। तो उनको अब ये चीज चुभ गई या फील कर गई, साफ सी बात है डिजर्व वो करते थे। ओके, बस क्योंकि हमने जो वर्डिक्ट है अगेंस्ट दिया, आप इसलिए मुझे नहीं बना रहे, तो उन तीनों ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। ये है रीजन कि भाई क्यों एएन रे को बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्यों इस कन्वेंशन को तोड़ा गया था। इसके अलावा एक और छोटी सी डेवलपमेंट हुई थी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस किया गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। होता क्या है, जो हमारे अटोर्नी जनरल है ना, वो सुप्रीम कोर्ट पोस्ट है, और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ए एन रे, उनको कहते हैं, कहते देखो सर मुझे लगता है ना, हमें ना केशवानंदा भारती जजमेंट को ना रिविजिट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और इस पे जस्टिस ए एन रे कहते हैं, क्या आप बात करती है सर, आपने तो मेरी दिल की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था, रिव्यू करते हैं। और ये बात पता चलती है नानी भाई पालखीवाला को, नानी भाई पालखीवाला पहुंचते सुप्रीम कोर्ट, कहते भाई साहब किसने रिव्यू पिटीशन डाली पहले तो मेरे को ये बताओ। तो जस्टिस एन रे और ये कहते भाई किसी ने डाली है, तो हम ही सोच रहे हैं। अच्छा सुओ मोटो, अपने आप ही सोच रहे हो। तो ना नानी भाई पालखीवाला रिक्वेस्ट करते प्लीज सर ऐसा मत करो, और वो इस चीज को छोड़ देते हैं। तो उसकी जो रिव्यू करने की वो थी, सुओ मोटो लिया गया था कि भाई हमें केशवानंदा भारती केस को रिव्यू करना चाहिए जजमेंट को, वो छोड़ देते हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आप ये देखो भाई जुडिशरी कितना इन्फ्लुएंस थी बाय दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कितना ज्यादा कंट्रोल हो चुका था जुडिशरी के ऊपर, कि जो अटोर्नी जनरल है वो जाते हैं चीफ जस्टिस को बोलते हैं, और केशवानंदा भारती जजमेंट को रिव्यू करने के लिए हामी भर ली जाती है। शुक्र मनाइए नानी भाई पालकी वाला का, मैं इसलिए कहता हूँ, अगर हो सके इस पर्सनैलिटी के बारे में जरूर पढ़िएगा आप। एनीवे, एक अनएक्सपेक्टेड इंपोर्टेंट डेवलपमेंट होती है 12 जून 1975, इलेक्शन जो है इंदिरा गांधी जी का वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। राज नारायण एक्यूज करते हैं इंदिरा गांधी जी को कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करता है, और इसको पेटिशन फाइल करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा फाउंड गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस गांधी जी को, ओके, और उनको डिबार कर दिया जाता है 6 साल के लिए, भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब यहाँ टेंशन हो जाती है, मिसेज इंदिरा गांधी क्या करती है, वो जाती है फटाफट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है वैकेशन पे, वो उनको एक कंडीशनल स्टे दे देता है कि भाई अगली जो सुनवाई होगी ना 11 अगस्त 1975, हुई, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये लाइन डेट जानबूझ के मेंशन कर रहा हूँ आपको, अभी इसका मैं बताता हूँ रीजन। अब आगे क्या होता है, 25 जून 1975 को मैडम इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। 10 अगस्त 11 अगस्त को हियरिंग है, 10 अगस्त को एक नई अमेंडमेंट एक्ट पास कर दी जाती है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, खत्म। जुडिशरी अब इस चीज को देख ही नहीं सकती है। 11 अगस्त को हियरिंग थी, 10 अगस्त को ये अमेंडमेंट पास कर दी गई। अब क्या करें, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस नाज राज नारायण केस, 7 नवंबर 1975, ये वो केस है जहां पे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था कि भाई देखो जो इलेक्शन है पीएम का, प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, उसको जुडिशरी के परव्यू से बाहर कर दिया गया, इसी चीज को चैलेंज किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यूज करके इस अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिडेट किया था, नलीफाई किया था। ओके, साथ ही साथ कुछ नए बेसिक फीचर भी ऐड किए गए थे, वो कौन कौन से थे वो मैं बता देता हूँ। दैट लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड जुडिशियल रिव्यू, एंड थर्ड इज हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अब बारी थी इंदिरा गांधी जी की, नहले पे दहला उनको खेलना था, क्योंकि अब जुडिशरी का वो आ गया था, वर्डिक्ट आ गया था। तो इंदिरा गांधी जी क्या करती है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है 1976। देखो अब मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सभी को पता है, मैं सिर्फ उसी प्रोविजन को डिस्कस करने वाला हूँ जिसका रेलेवेंस है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी क्या करती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 डिक्लेयर दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, नो लिमिटेशन,
एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो दो बातें क्या हुई, एक तो अनलिमिटेड पावर है, कोई लिमिटेशन है नहीं, दूसरी किसी भी ग्राउंड पे इन अमेंडमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जाता, इवन वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। निर्वा मिल केस 1980, यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एज यूजुअल सेम ही बात रखी जो 1973 में बोली गई थी कि भाई पार्लियामेंट है ना किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट इट कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज कही थी कि भाई जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है दोनों के बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है और दोनों ही बेड रॉक है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज समझनी जरूरी है कि डीपीएस को इम्प्लीमेंट करते टाइम आप ये ना करें कि भाई जो फंडामेंटल राइट है उनको हार्म कर दें। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है, जुडिशियल ने ये बोला। साथ ही साथ इन्होंने एज यूजल जो जुडिशियल रिव्यू है उसको बोला कि भाई जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ना उसने जुडिशियल रिव्यू ले लिया जो जुडिशरी के पास है और जो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिस पे इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया गया था। एंड फाइनली द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी बट अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर मैंने आपको कहा था वो डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1973 केशव नंदा भारती केस की जजमेंट आई थी। बोमन राव केस 1981, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बोला कि भाई देखो जो जो अमेंडमेंट इस जो केशव नंदा भारती जजमेंट से पहले आई थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगी, जो 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए गए थे हम उसको टच नहीं करने वाले, लेकिन केशव नंदा भारती केस के बाद जो जो अमेंडमेंट की गई है उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे अगर कोई इशू रेज करता है, कोई हमारे पास पिटीशन आती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये डेट याद रखना। यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंप्लीट हुआ। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है वो है कौन कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो बेसिक फीचर है वो ऐड हुए हैं। ओके, जैसे रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो मैंने आपको बता दी है, शकरी प्रसाद हो गया, अब गोलकनाथ हो गया, केशव नंदा भारती केस हो गया, ये सारी चीजें, मिनर्वा मिल केस हो गया, ये आपको हल्का सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए भी क्या हुआ था कैसे हुआ था। हमने पूरा कंप्लीट डिटेल किया, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो चलिए फिर आप मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू।